बात करते हैं जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, भांकरोटा थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह को सफलता मिली है। पुलिसकर्मी बनकर घर में घुसने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एमपी गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, तो बदमाशों से पुलिस की वर्दी और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि एमपी गैंग के कई बदमाश जयपुर आए हुए हैं और अलग अलग टीम बनाकर घर में घुसकर वारदात करते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, गैंग जिसे पकड़ा गया है, 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश जो पुलिस की वर्दी पहनकर घरों में घुसते हैं, अब पुलिस बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उन बदमाशों की जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। सफलता पुलिस के हाथ लगी है और ये वो बदमाश हैं जो पुलिस की वर्दी पहनकर घरों में घुसते हैं और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। तो पुलिसकर्मी बनकर घर में घुसने वाली ये गैंग जिसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है और इसके 4 आरोपी, 4 बदमाश गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। हालांकि और भी इसमें बदमाश हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है और अब पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस ने एमपी गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार किए हैं और ये अन्य सामान इनसे बरामद किया है। ये लोग पुलिस की वर्दी पहनकर घरों में घुसते थे। ये फुटेज एक आपको दिखा रहे हैं जो घर में घुसने की कोशिश इन्होंने वर्दी पहन के की। और सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, 4 आरोपी बदमाश अभी तक गिरफ्तार किए और बताया जा रहा है और भी बदमाश गिरफ्तार किए जाने, इसमें और भी बदमाश शामिल है। बिल्कुल मेघा, देखिए पिछले जयपुर शहर के अंदर पिछले दिनों कई ऐसी वारदातें हुई है जिसके अंदर बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर घर के बाहर जाते हैं और उसके बाद में घर के अंदर घुसकर लूट का प्रयास करते हैं, डकैती का प्रयास करते हैं। ऐसी घटनाएं जयपुर शहर में पहले भी हो चुकी है। ऐसे में भांकरोटा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसके अंदर 4 बदमाश बताए जा रहे हैं, एमपी की गैंग है। लेकिन राहत की बात यह है कि 4 बदमाश गिरफ्तार हो गए, चिंता का विषय यह है कि अभी भी गैंग के कई बदमाश जयपुर शहर के अंदर मौजूद हैं और कहीं भी वारदात कर सकते हैं। ऐसे में इन बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और साथ साथ इन बदमाशों से पूछताछ के बाद में जो नाम सामने आ रहे हैं उनको अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कोई वारदात जयपुर शहर के अंदर अब ऐसी हो जिसके अंदर पुलिस के बनकर घर में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दे। इनके पास से पुलिस की वर्दी मिली है तो उनसे यही पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये पुलिस की वर्दी कहां से लेकर आए थे। बदमाशों से पूछताछ की जा रही है और साथ साथ जो अन्य इनके साथी हैं बड़ी संख्या के अंदर जयपुर आए हुए हैं उनकी तलाश की जा रही है। मेगा सत्यनारायण, कितने इन बदमाशों ने और क्या जानकारी दी है कि कितनी उन्होंने लूट की वारदातों को अंजाम दिया और कितने और साथी इनके हैं? देखिए, जो पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें सामने आई करीबन 20 से अधिक जो बदमाश हैं वो जयपुर शहर में आए हुए हैं। और सत्यनारायण आपसे आगे की जानकारी लेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी